हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोड बीसीडी कोड आजकी कोड इपसीडिक कोड बट फर्स्ट क्वेश्चन इज अरिजेस व्हाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ़ कोड्स सो एक्चुअली इन डिजिटल सिस्टम कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट ऑपरेशन के लिए सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशन डेटा एंट्री करना है उसके लिए एरर डिटेक्शन के लिए एरर करेक्शन के लिए मेनी ऑफ द टाइम हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं तो कोड का यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा प्रेजेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है अल्फ़ाबेट्स में नंबर्स में और स्पेशल सिंबल में जैसे मुझे कंप्यूटर में डेटा एंट्री करनी है तो मैं एंटर करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स नंबर और स्पेशल सिंबल। बट एक्चुअली द कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल डिवाइस तो उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है सो फॉर दैट पर्पस कोड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो कोड क्या करता है तो उस अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स को स्पेशल सिंबल को एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन तो कोड क्या है द कोड इज़ द यूनिक कलेक्शन ऑफ जीरोज़ एंड वंस एंड अकॉर्डिंग टू द डिजिटल सिस्टम हम लोग हर एक डिजिटल सिस्टम में अलग अलग कोड्स हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिजिटल सिस्टम में एक ही कोड यूज़ होता होगा तो वैसे हम लोग ऐसे तीन कोड पढ़ रहे हैं यहाँ पे बी सी डी कोड आस्की कोड इप कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड ऐसे तीन कोड हम लोग इस चैप्टर में हमारे हैं

तो 35 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा डबल डबल मेथड दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइडेड बाय टू मैं उस डेसिमल नंबर को क्या करूँगी टू से डिवाइड करूंगी कब तक टू से डिवाइड करूंगी जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आ जाता तब तक मैं टू से डिवाइड करती रहूँगी और मैं रिमेंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगी तो जो भी मेरा बाइनरी नंबर जो भी मेरा जीरोज एंड वंस के फॉर्म में नंबर आएगा दैट वुड बी माय बाइनरी नंबर राइट तो उसको रिप्लेस किया बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल में इस 35 को या कोई भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान था तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कोई भी डेसिमल नंबर को तो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट इन फोर बीट बाइनरी इक्वी तो डेसिवल नंबर को किस में लिखते थे तो फोर बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखते थे तो जैसे कि थर्टी फाइव को लिखना रहा तो मैं थ्री को एक्चुअली थ्री को कैसे लिखा जाता है तो थ्री को लिखा जाता है वन वन बट यहां पे मुझे चार बिट इक्विवेलेंट में लिखना है तो मैं लिखूंगी जीरो जीरो वन वन फाइव को लिखना है तो मैं लिखूंगी ज़ीरो वन ज़ीरो वन तो ये क्या हुआ आप लोगों का तो ये आप लोगों का हुआ बी सी डी नंबर अभी मैं थर्टी फाइव को बाइनरी में लिखने जाऊँ तो थर्टी फाइव को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिलेगा वन ज़ीरो जीरो जीरो वन वन ये क्या रहा आपका बाइनरी इंफॉर्मेशन रही सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू बाइनरी में आपको थर्टी फाइव अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है और बी सी डी में आप लोगों को थर्टी फाइव अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है तो आसान तरीका कौन सा है तो आसान तरीका था बी सी डी क्योंकि आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल डेसिबल नंबर को कितने बिट में लिखना था फोर बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना था यहाँ पे ना डिवाइडेड बाय टू करना पड़ा ना आप लोगों को रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ा कुछ नहीं करना पड़ा इसलिए आप लोगों का कौन सा आसान तरीका है तो आसान तरीका है बी सी डी और कम से कम टाइम में आप लोगों को ये वाला आउटपुट मिल रहा था जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल एक लेती हूँ मुझे कन्वर्ट करना है थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिवाइडेड बाय टू करूँगी जब तक क्वेश्चन ज़ीरो नहीं आ जाता तो आप लोगों को पता है इट विल टेक लॉट मच ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बट मैं 375 को मुझे कन्वर्ट करना है बी सी डी में बिकॉज बी सी डी ऑल्सो रिप्रजेंट द डेसिमल नंबर इन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज वंस सो थ्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ज़ीरो जीरो वन वन से फोर बिट में रिप्रेजेंट करना है सेवन को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वन 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 से और फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वन जीरो वन से तो ये आपका क्या हो गया है बी सी डी नंबर हो गया है तो बाइनरी कोडेड डेसिमल तो यहाँ पे आप लोगों का क्या दिख रहा है तो डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल मतलब कहाँ से कहाँ तक ज़ीरो से नाइन तक तो ज़ीरो से नाइन तक बाइनरी नंबर और बीसीडी नंबर दोनों भी सेम ही रहेंगे बट आफ्टर नाइन सपोज मैं आफ्टर नाइन क्या आता है टेन टेन को मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ ये पूरा क्या हो गया आप लोगों का ये पूरा हो गया है बाइनरी बाइनरी में लिखना चाहूँ तो वन ज़ीरो वन ज़ीरो बाइनरी में लिखते हैं बट टेन को मैं लिखना चाहूँ बी सी डी में तो देर इज़ अ डिफरेंस ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की क्या होगी बी सी डी हो गई तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखो कि बीसीडी और बाइनरी आप लोगों का एक जैसा ही दिखता है क्यों एक जैसा दिखता है दोनों को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जीरोज और वंस में बट स्टिल बोथ आर डिफरेंट जब आप लोग एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको देखोगे तो दोनों भी चीज क्या है तो दोनों भी चीज डिफरेंट है सो so, आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि हाईएस्ट बीसीडी नंबर कौन सा है तो हाईएस्ट बीसीडी नंबर कौन सा है आप लोगों का तो हाईएस्ट बीसीडी नंबर है नाइन ओके सो so, जीरो से लेके नाइन तक फिफ्टीन आप लोग बोल रहे हो चार बीट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सबसे हाइएस्ट हाईएस्ट बाइनरी नंबर कौन सा रिप्रेजेंट होता है रिप्रेजेंट होता है बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला गया है बाइनरी कोडेड डेसिमल डेसिमल में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है नाइन तो सबसे हाईएस्ट बीसीडी नंबर कौन सा है तो नाइन तो आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा सही करके आओगे नाइन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ये गलतियां करते हो ये गलत है दिस कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एट फोर टू वन कोड क्यों ऐसा बोला जाता है क्योंकि हम लोग आठ बार ज़ीरो दैन चार बार ज़ीरो फिर दो बार ज़ीरो फिर एक बार ज़ीरो इस तरीके से हम लोग इस नंबर को लिख रहे हैं एट टाइम ज़ीरो दैन टू टाइम ज़ीरो दैन ऐट टाइम ज़ीरो दैन फोर टाइम ज़ीरो दैन टू टाइम ज़ीरो दैन वन टाइम ज़ीरो इसलिए इस कोड को और दूसरा नाम क्या दिया गया है एट फोर टू वन कोड So hope so you clear with the difference in between these two. कि आप लोगों का जो बाइनरी है वो आप लोगों का कैसा है तो आप लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डबल डबल मेथड का यूज़ करना है बी सी डी कोड क्या है तो फोर बिट में आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है हर एक डेसिमल नंबर को जैसे थ्री को अलग से रिप्रेजेंट करो फाइव को अलग से रिप्रेजेंट करो जब आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ बिट कम लग रहे हैं डेसीमल जब आप लोग बी सी डी में कन्वर्ट कर रहे हो नंबर ऑफ बिट ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर The next is दी इट इज इजी टू कन्वर्ट ये मेथड आप लोगों को बहुत आसानी से बीसीडी में कन्वर्ट करके देंगी बट आप लोगों का जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है उसको आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोगों को डिवाइडेड बाय टू करना है कब तक डिवाइड बाय टू करना है तो जब तक क्वेश्चन जीरो नहीं आ जाता तब तक तो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है ये मेथड थोड़ा आसान मेथड है दैट्स वाई वी यूज द बी सी डी खूड क्लियर लेट्स डिस्किस देशन ऑफ बी सी कहाँ कहाँ पे हम लोग बी सी डी कोड को यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम आसानी से हम लोग बी सी डी कोड से डेसिमल में और डेसिमल कोड से बी सी डी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम लोग बी सी डी कोड का आसानी से यूज़ कर सकते हैं बी सी डी कोड यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर डिजिटल वोल्ट मीटर एंड डिजिटल क्लॉक bcd code is used in a pocket calculator because it converts the uh, bcd number easily into a decimal because of this it used in a pocket calculator as well बट ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था अभी हम लोग पॉकेट कैलकुलेटर में बी सी डी कोड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो भी आंसर हम लोगों को बी सी डी वजह से मिले हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम गलत आंसर मिले हैं तो स्टार्टिंग में जो हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ कर रहे थे वो बी सी डी कोड थे नावडे हम लोगों ने वो यूज़ करना बंद कर दिया है बहुत टाइम हो गए जो बंद करना बंद कर दिया है यूज़ करना एडवांटेज के तरफ बढ़ते हैं डेसिमल नंबर कैन ईजिली कन्वर्टेड इंटू अ बी सी डी नंबर एंड वाइस वर्सा हमने देखा है फोर बिट बाइनरी में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है डेसिमल नंबर को तो वो बी सी डी नंबर में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है वी हैव टू रिमेंबर द इक्विवेलेंट नंबर फॉर ज़ीरो थ्रू नाइन ओनली येस राइट बाकी तो सब ज़ीरो एंड नाइन के कॉम्बिनेशन ही रहेंगे ना तो जीरो से लेकर नाइन तक आप लोगों ने बाइनरी नंबर को फोर बिट बाइनरी में याद रखा है तो आप लोग आसानी से कोई भी डेसिमल नंबर को बी सी डी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो एज वी कन्वर्ट ओनली वन डिजिट एट अ टाइम हाँ मैंने बोला था कि थर्टी फाइव को मैं यहाँ अलग एग्जाम्पल लेती हूँ ट्वेंटी फाइव को कन्वर्ट करना है तो पहले मैं मैं टू को कन्वर्ट करूँगी सो ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो बाद में मैं फ़ाइव को कन्वर्ट करूँगी तो मैं ऐट अ टाइम किस को कन्वर्ट कर रही हूँ एक ही डिजिट को एट अ टाइम कन्वर्ट कर रही हूँ तो दैट वन इज़ माई रिस्पेक्टिव बी सी डी नंबर तो अभी डिसएडवांटेज के तरफ बढ़ते हैं बी सी डी नंबर हैव लिमिटेड वैल्यू इन कंप्यूटर बट जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें सिर्फ हम लोग नंबर्स ही नहीं रहते तो वहाँ पे नंबर्स भी रहते हैं अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं स्पेशल सिंबल भी रहते हैं तो बी सी डी नंबर में सिर्फ नंबर के बारे में हमें बताया है ना अल्फाबेट्स के बारे में बताया है ना स्पेशल सिम्बॉल के बारे में बताया है तो उस टाइम पर हम लोग बी सी डी कोड का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ किसका तो बी सी डी कोड का द बी सी डी नंबर है a limited value in computer a modern computer must be able to process the alpha numbers therefore computer use binary numbers rather than BCD again द रूल्स ऑफ एडिशन फेल हो रहे थे इन केस ऑफ बी सी डी तो हम लोग बी सी डी जब हम लोग एडिशन कर रहे थे या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे तो इस डिफ़िकल्टी के वजह से भी हम लोगों ने जो पॉकेट कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को बताया है उसमें यूज़ करना बंद कर दिया तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को समझ गए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द Video, please hit the like button and subscribe the channel and also share with your friends. Thank you.